यह वीडियो विशेष रूप से यूपी टेट परीक्षा के लिए उपयोगी है और इस वीडियो में आज हम संख्या पद्धति चैप्टर पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे और यह वीडियो संख्या पद्धति चैप्टर का पहला भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संख्या 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा संख्या 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर कितना है। तो पहली संख्या है वो है 29,503। हमने पहली संख्या को लिखा 29,503 और इस संख्या में 5 का जो स्थानीय मान होगा वो होगा 500 और दूसरी संख्या दी गई है वो है 32,071। दूसरी संख्या है 32,071। अब इस संख्या में 7 का अंकित मान है, अंकित मान होगा 7। हमें बताना है कि इस संख्या में 5 के स्थानीय मान और इस संख्या में 7 के अंकित मान में अंतर कितना है। हम दोनों में अंतर निकाल लेंगे, हम करेंगे 500 माइनस 7, हमें मिलेगा 493। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 493। अगला क्वेश्चन है, संख्या 0.0258 में 2 का स्थानीय मान कितना है। इस दशमलव की संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले हमने इस संख्या को लिखा 0.0258। इसमें बताना है कि 2 का स्थानीय मान कितना होगा। तो आप यहाँ पर देखिए, दशमलव के बाद और उस संख्या जिसका स्थानीय मान निकालना है उसके पीछे जितने अंक होते हैं उतने जीरो हम दशमलव के बाद लगाएंगे। तो इस संख्या का स्थानीय मान हम इस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे दशमलव, हमने दशमलव लिखा, और दशमलव के बाद और उस संख्या के पहले हमें 2 का स्थानीय मान निकालना है। तो इस 2 के पहले इस साइड में और इस दशमलव के राइट साइड में इस साइड जितने अंक होते हैं उतने जीरो लिखते हैं। तो यहाँ पर केवल एक अंक है और वो एक अंक जीरो है, तो यहाँ पर हम जीरो लिखेंगे और उसके बाद उस संख्या को लिखेंगे जिसका स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो हमें 2 का ज्ञात करना है तो हमें यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो इस संख्या को जो स्थानीय मान होगा वो होगा 0.02। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हमने एक संख्या इस प्रकार से ले ली 0.123 और इसमें आपसे पूछा जाए कि संख्या 2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो इस संख्या में भी जो संख्या 2 का स्थानीय मान है वो 0.02 ही होगा, क्योंकि इस वाले 2 के इस साइड में केवल एक अंक है वो है 1 और यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है वो एक ही है। तो हम यहाँ पर केवल एक जीरो लिखेंगे और फिर इसके बाद वो संख्या लिखते हैं जिसका स्थानीय मान ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है तो हमने 2 लिखा। तो यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2/100। इसका ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है। इसे हम और सरल रूप में बनाकर 1/50 भी लिख सकते हैं। जो भी हमारा ऑप्शन दिया गया हो हम ऑप्शन के अनुसार अपना सही आंसर लगाएंगे। हमें उम्मीद है आपको इस दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करना समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या एक संपूर्ण संख्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर 1 24, नंबर 2 20, नंबर 3 28, नंबर 4 32। इन सभी चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या एक संपूर्ण संख्या है। तो सबसे पहले सुनिए संपूर्ण संख्या क्या होती। ऐसी संख्या जिसके सभी भाजकों या गुणनखंडों का योगफल संख्या के दोगुने के बराबर हो वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। हम सभी ऑप्शंस को बारी बारी से एक एक करके चेक करेंगे कि क्या दी गई संख्या के भाजकों या गुणनखंडों का योगफल संख्या के दोगुने के बराबर है अथवा नहीं है। पहला ऑप्शन है 24। हमने 24 को लिया, हमने लिखा 24। सबसे पहले हम 24 के गुणनखंड निकालेंगे। 24 जिन जिन संख्याओं से विभाजित होगा वही उस 24 के गुणनखंड होंगे। 24 1 से विभाजित है, 1 के बाद 2 से विभाजित है, 2 के बाद 3 से भी है, 3 के बाद 4 से भी विभाजित है, 4 के बाद 24 6 से विभाजित है, 6 के बाद 8 से है, 8 के बाद 12 से विभाजित है और 12 के बाद 24 सीधे 24 से ही विभाजित है। ये हो गए 24 के सभी गुणनखंड। अब आप इन सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल के लिए हमने बीच में प्लस का चिन्ह लगाया। प्लस का चिन्ह लगाने के बाद हम इन सभी गुणनखंडों का योगफल निकालेंगे। तो योगफल निकालने के बाद हमने पाया कि इन सभी का जो योगफल होता है वो योगफल आएगा 60।
तो यहाँ पर हमें पता चला कि जो युगफल 60 आया यह संख्या 24 का दोगुना नहीं है। यदि यहाँ पर युगफल 24 का दोगुना आ जाता, 48 आ जाता, तो 24 एक संपूर्ण संख्या हो जाती, लेकिन 24 अब संपूर्ण संख्या नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। दूसरा ऑप्शन है 20। इसी तरीके से हम 20 में निकालेंगे, हम देखते हैं कि जो 20 के गुणनखंड होंगे वो होंगे एक, एक से विभाजित होगा, एक के बाद 20 दो से विभाजित होगा, दो के बाद चार से, चार के बाद पाँच से, पाँच के बाद 10 से, और 10 के बाद 20, 20 से विभाजित होगा। ये हो गए 20 के गुणनखंड। हम इन सभी गुणनखंडों का योगफल निकालेंगे, तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। 20 के सभी गुणनखंडों का योगफल जो आएगा वो आएगा 42। इन सभी का जो योगफल होगा वो होगा 42। तो हमने यहाँ पर देखा जो 42 आया वो इस 20 का दोगुना नहीं है, तो यह 20 एक संपूर्ण संख्या नहीं है। अगला ऑप्शन लिया नंबर 3, 28। 28 के गुणनखंड निकालिए। 28 के जो गुणनखंड होंगे वो होगा एक, एक के बाद दो, दो के बाद चार, फिर चार के बाद सात, फिर 14, 14 के बाद 28। ये हो गए 28 के सभी गुणनखंड। अब इन सभी गुणनखंडों का आप योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। तो हमने देखा प्लस चिन्ह लगाने के बाद 28 को जो सभी गुणनखंडों का योगफल आएगा वो योगफल आएगा 56। तो यहाँ से हमें मिला 28 के सभी गुणनखंडों का जो योगफल होगा वो हमें मिला 56, जो कि इस संख्या 28 का ठीक दोगुना है। तो यहाँ से हमें मिल गया कि संख्या 28 के सभी भाजकों या गुणनखंडों का जो योगफल होगा, जो कि हमें 56 प्राप्त हुआ, 56 इस 28 का ठीक दोगुना है, तो 28 एक संपूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो 28 है वह एक संपूर्ण संख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या प्रमेय संख्या नहीं है? पहला ऑप्शन है अंडर रूट 25/18, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 0.5 बार, चौथा ऑप्शन है अंडर रूट 8। हम सभी ऑप्शन को बारी बारी से चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी संख्या प्रमेय संख्या नहीं है। देखिए, प्रमेय संख्या वे संख्याएँ होती हैं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। हम चेक करेंगे सबसे पहले कि किस संख्या को पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वही प्रमेय संख्या नहीं होगी। पहला ऑप्शन चेक करेंगे, पहला ऑप्शन है अंडर रूट 25/18। हमने लिखा अंडर रूट 25/18, इसे हम लिख सकते हैं 5/18, तो यह पी बटे क्यू का रूप बन गया, अतः यह एक संख्या प्रमेय संख्या है। दूसरा ऑप्शन हमने लिया 0, हम 0 को लिख सकते हैं 0/1, 0/1 इसका मान भी 0 होगा, इसे हमने पी बटे क्यू के रूप में लिखा, तो यह भी एक प्रमेय संख्या है। तीसरा ऑप्शन है 5/5, इसके ऊपर बार, इसे हम लिखेंगे 5/9, इसे भी हमने पी बटे क्यू के रूप में लिख लिया, तो यह भी एक प्रमेय संख्या है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है अंडर रूट 8, तो अंडर रूट 8 को हम लिखेंगे 2/2। देखिए, अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है और उसमें 2 का मल्टीप्लाई है, तो पूरी संख्या जो प्राप्त होगी वह भी एक अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। अतः यहाँ से हमें मिल गया कि अंडर रूट 8 जो है वह एक अपरमेय संख्या है और यह एक प्रमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि कौन सी संख्या प्रमेय संख्या नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अंडर रूट 8 एक प्रमेय संख्या नहीं है, यही इसका सही आंसर होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है हमने अभी तक आपको जितने क्वेश्चंस कराए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम संख्या पद्धति चैप्टर के शेष बचे हुए क्वेश्चंस को भी आगे सॉल्व करेंगे। तो यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।